लड़ने के लिए आए थे लेकिन जब हम लड़ने जा रहे थे तो हमारे मुकाबले में अजनबी अजनबी लोग आ रहे थे अजनबी अजनबी लोग आ रहे थे और उनकी हैबत ऐसी तारी होती कि हमने उनको न मक्के में कभी देखा था न मदीने में कभी देखा था ये वो बदरी मलायका थे जो जबरइली अमीन की सिपह सालारी में आए थे अस्सलाम वालेकुम अल्लाह व्यूअर्स कैसे हैं आप सब मेरा नाम है अस्सलाम तो तो वालेकुम दोस्तों कैसे हैं तो है, आप सब लोग खैरियत से मेरा नाम आस्मान खुर्शी भी स्वागत हो गया आप सब लोग हमारे चैनल पर तो आज की, की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है सतर रमज़ान जंगे बदर का वाक्य है हमारे बहुत सारे व्यवर्स कहते हैं भाई मुफ्ती सलमान हज़ारी साहब की वीडियो लेकर आएँ तो भाई ले आए हैं वीडियो और आप लोग के साथ बयान सुनते हैं बहुत मज़े का बयान करते हैं भाई मुफ्ती साहब की मैं तो दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि इंडिया के बहुत बहुत ज़बरदस्त मुफ्ती साहब है ये और इनकी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत बयान सुने जाते हैं और बड़ी इनकी तारीफ़ें की, है की जाती हैं क्योंकि माशा ये डिज़र्व भी करते हैं तो भाई पहले इनकी वीडियो स्टार्ट करते हैं बाद में इन बातें वगैरह करेंगे थ्री टू वन मदीने पर हमला करने के लिए निकल रहे हैं असल वजह सुन लीजिए भद्र की असल वजह जब वो लोग एक हज़ार की तादाद में मक्का से निकल चुके थे और मेरे आका को ये खबर मिल गई मुखबिर ने आकर बताया कि जंग की तैयारी से मदीने के ऊपर हमला आवर होने के लिए निकले हैं मक्का के लोग अब नबी पाक वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि उनको मदीने पहुंचने मत देना अगर मदीने आ गए तो मदीने को तोड़ फोड़ करेंगे शहर में दाखिल होंगे जंग होगी तो कुछ ना कुछ घर टूटेंगे किसी की आबादी उजड़ेगी कुछ ना कुछ नुकसान होगा लिहाजा हम खुद मदीने से बाहर निकलते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस इरादे से अपने सहाबा समेत बाहर निकले उसमें तादाद मुख्तल रिवायात के मुताबिक तीन सौ तेरह तीन सौ चौदह तीन सौ पंद्रह 319 और एक में 360 सौ साठ बद्र की तादाद पे अलग अलग रिवायात हैं 313 सौ तेरह की रिवायत बहुत सारे मुहदीसीन ने, ने रिवायत की है और 360 की भी रिवायत है 360 लोग लो भी थे बहरहाल वो इस तौर पर के बच्चे दूसरे लोग सब मिला करके किसी ने शुमार किया और किसी ने सिर्फ खालिस जंग करने वालों को शुमार किया इसमें सारे बड़े बड़े अजिल्लाहबा हैं सैदना अबू बकर सिद्दीक सैदना उमर फ़ारूक सैदना हैदर करार्ली मरतदा रदी अल्लाह तीगर अब हाँरत ओस्मान गनी रदाल इसमें शामिल नहीं थे उसकी वजह यह थी कि हजूर सल्लाम की बेटी हजरत रुकै बीमार थी मदीने में थी नबी पाक सल्ला वसम ने हजरत ओस्मान से कहा कि तुम अपनी अहलिया मेरी बेटी की तीमारदारी में रहो तुम्हें बद्र में शर्क होने का बराबर सवाब दिया जाएगा हजरत ओस्मान गनी मदीने में थे इसी वजह से आज भी अब बदर के नामों की जब तिलावत होती है ना तो हजरत ओस्मान का नाम भी उसमें आता है वह अगरचि जंग में गए नहीं थे लेकिन अस्माय बदर में उनका नाम शामिल है आप पढ़ करके देखना या सुनना तो हजरत ओस्मान गनी का भी नाम है क्योंकि माल गनीमत जब तकसीम हो रहा था तो हज़ूर हज़रत ओस्मान को भी उसमें से हिस्सा दिया था खैर जब नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ये सहाबा को लेकर निकले अब मदीने से 160 किलोमीटर मक्का की तरफ का ये रास्ता है बदर बदर एक इलाके का नाम वहाँ एक कुआँ था जिसका नाम बदर था जिसकी वजह से उस इलाके का नाम बदर पड़ा अब हालात देखें कैसे आजमाइश के बढ़ते गए मैं मुख्तसरन अंदाज़ में आपके सामने रखूँगा ये जंग का पस मंजर था हजूर लड़ने के लिए गए नहीं थे बल्कि डिफेंस के लिए कि मक्का वाले निकल चुके थे अब मक्का वाले आकर जिस जगह पड़ाव किए वो भी बदर था वहाँ कुआँ था पानी था इसके लिए वहाँ पर उन लोगों ने भी क्याम किया मेरे आकलीम् ने भी अपना लश्कर अंदाज कर दिया साहबा वहाँ पर उतर पड़े सबके ख़ीमे लग गए और कुएँ के पानी पर भी कब्ज़ा हुआ उसके बाद देखा साहबा के दिल घबराए हुए थे क्योंकि हज़ू सलील आलिम और साहबा को जो ज़मीन मिली थी वो रेतीली ज़मीन थी बालू की ज़मीन पाँव धस जाया करते थे और कुफारे मक्का जहाँ पर उतरे थे वो तो सख्त सपाट फ्लैट ज़मीन थी मट्टी की ज़मीन थी और उसमें घोड़े अच्छी तरह दौड़ते थे ये रेतीली ज़मीन पर घोड़ों के पैर भी घुस जाते और इंसानों के भी अच्छा ये बात भी मैं बता दूँ कुल तादाद साहबा इक्राम रिदवान ताली आल मजमाइन के साथ तीन सौ तेरह साहबा में सिर्फ चार घोड़े थे चार घोड़े ये चार घोड़ों पर बैठ कर के गए हैं कौन सवार हुआ होगा कौन पैदल चला होगा और ऊँटों की कुछ तादाद उसके अलावा तलवार सबके पास नहीं और जिसके पास है उनकी सब्जियां भी कटती नहीं इन हालात में तो वो गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अल्लाह तल के साथ जब गए अब वहाँ पर साहबा इक्राम के दिलों के अंदर थोड़ी घबराहट आने लगी कि हम ज़मीन इस तरह की है और तादाद जब उनकी देखते हथियार से लेस तो ये अर्ज़ करते कि क्या होगा पहली जंग हो रही थी ना आमना सामना पहली मरतबा हो रहा था अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सहाबा को लेकर रात को बैठते हैं अब उसमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा इक्राम से मशवरा हो रहा था अब वो ईमान की बात है हुजूर ने सहाबा की बात ये सुनी कि जो महाजरीन थे वो ये कह रहे थे कि अनसार का तो कुछ गया नहीं हमारा गया है मक्का में हमारे माल लूटे हमारी जायदादें लूटे अंसार मदीने में रहते हैं मक्का के कुफार ने इनका तो कुछ बिगाड़ा नहीं हो सकता है कि अंसार जो है जंग में इंटरेस्ट ना लें उनका क्या गया है ये महाजरीन की जंग है अंसार जो है हो सकता है इंटरेस्ट ना लें वो ना आए ये उनके दिलों में बात थी वज़ूर पाक सल्ला वसलम ने महसूस कर लिया क्योंकि उनहत्तर अनसार साहबा उसके अंदर थे सिक्सटी नाइन बड़ी तादाद होती सत्तर सहाबा तकरीबन अंसार थे अब दिलों में जब ये बात आई महाजरीन के, के पता नहीं है लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनका तो कुछ गया नहीं है ना जैसे आज लोग कहते हैं मेरा थोड़ी ना उससे कोई मसला है तो फिर नबी वसल्लम ने रात के वक्त अनसार साबा को पहले बुलाया सब बैठे हुए थे मशवरा करना था सैदुलंसार हजरत साद इबन मज़रत अनसार के सरदार थे बुलाया और पूछा कि तुम्हारा क्या मशवरा है आपका क्या मशवरा है जंग के सिलसिले में सुनो हजूर पाक सल्लल्लाहु अल्लाह तलि वसलम की बारगा में हज़रत साद बिन मुआज सबसे पहला जवाब क्या देते हैं कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लाम पूरे अनसार की तरफ से तो मैं तर्जुमानी करने के लिए खड़ा हूँ लेकिन मेरे आका क्या हम भी कोई पूछे जाने की चीज़ हैं आपके सिलसिले में हम भी कोई पूछे जाने की चीज़ हैं और हज़रत सादिबिन मवाज़ कहते हैं कसम रबलाल की मदीने से बरकुल बरकमाद यमन तक भी आप जाए अनसार का हर बच्चा आपके कदमों के साथ होगा आप तो सिर्फ बदर तक आए या रसूल अल्लाह अगर हमें पैदल यमन तक भी ले जाते हम आपके पीछे जाते उनके अल्फाज में सुनाऊँ ईमान ताज़ा हो जाता है हजरत साद इबन माज़ रदी अल्लाह तैन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल वसम आज मैं सारे अनसार साहबा की तरफ से तर्जुमानी करते हुए जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मैं खड़ा हूँ अर्ज करता हूँ मेरे आका अगर किसी के जहन में यह बात है तो वो निकाल दे कि हम सिर्फ अपने वतन में रसूलुल्लाह की मदद करते हैं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस कोने में जाएंगे अनसार को वहाँ हुजूर पाएंगे अब हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं आका आपको कुल इख्तियार है आपको कुल इख्तियार है अब सुनो हजरत सादिब इब्ने मुआज़ के ये बद्र के मैदान से एक दिन पहले के अल्फाज हैं एक दिन पहले के अल्फाज हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कुल इख्तियार है जिसका रिश्ता मिलाना है मिला दीजिए आप और जिसको तोड़ना है आज ही आप फरमा दें हम हमेशा आखिरी सांस तक के लिए तोड़ देंगे अगर आप फरमा दें कि इसकी बीवी इसके लिए हलाल नहीं इसका बेटा इसका बेटा नहीं या रसूल अल्लाह क्या आखिरी सांस तक हम उससे रिश्ता तोड़ देंगे ये बदरज में जाने से पहले हजरत इब्ने मुआज़ कहते हैं जिसका रिश्ता आप मिलाना चाहें मेरे आका मिला दें नहीं। 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 और जिसका ख़त्म करना चाहते हैं तोड़ दें और जिसको मौजूदा हालात में रखना चाहते हैं मेरे आका पसंद फरमा लें और हमारे माल आपके लिए हाजिर हैं या रसूल और हमारे जिस क़दर मंशा हो कबूल फरमाए हाँ हजरत हाँ, साद इब्ने माज़ कहते हैं हमारे पास जो कुछ भी है या रसूल अल्लाह ये हमारा माल हाजिर है अब ये देखो अदब के अल्फाज हाजिर है या रसूलल्ला जितना आपको चाहिए हमारा पूरा माल कबूल कर लें और जितना चाहे छोड़ दें और कसम रब्बे रबलाल की जो आपने छोड़ दिया वो दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है हमारे लिए जो आपने कबूल किया वो हमारे लिए सबसे उमदा चीज है ये बद्र के मैदान में हजरत साद इब्ने साहदिबिन महाजरत अल्लाह तु की तकरीर चल रही है और उसके बाद हजूर पाक सल्लाम की बारगाह में ये कहते हैं या रसूल अल्लाह कसम उस रबाल की जिसने आपको सच्ची नबूत के साथ भेजा अल्लाह की कसम अगर आप हमें हुक्म दें समंदर को को चीर कर निकल जाना है जलाल की कसम या रसूल अल्लाह रसूलार का हर बच्चा समंदर में कूद पड़ेगा ये बद्र से पहले की तकरीर अब इनकी तकरीर सुनकर हुजूर बड़े खुश हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसमायत ही खुशी का इजहार फरमाते हैं और उसके बाद फिर हज़रत मकदार बिन असवद एक सहाबी खड़े होते हैं पूछा या रसूल अल्लाह वसल्लम आप साहबा से मशवरा ले रहे हैं किस बात का कहा जंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए हजरत मिकदाद बिन असवद कहते हैं या रसूल अल्लाह हम बनी इसराइल नहीं हैं जिन्होंने मूसा सलाम से कहा था ए मूसा आप और आपका खुदा जाइए कौमे जब्बारिन से लड़िए हम यहाँ बैठ के देखेंगे नहीं या रसूल अल्लाह हम उम्मत मोहम्मदियाँ हैं जहाँ मेरे आका का पसीना गिरेगा हम सब का खून का कतरा वहाँ गिरेगा जब तक हमारे जिसम में आखिरी कतरा भी खून का बाकी है हम में से कोई पलटने का तस्वूर भी नहीं करता ये रसूल पाक सल्ला वसल् के चहेते साहबा की तकरीरें थीं सब के जज्बे जवान थे कोई लौटना नहीं चाहता कोई पलटना नहीं चाहता अब साहबा को बाहर करके हज़ूर ख़ीमे में चले गए अब सुनो हज़ू पाक सल्ला तसल् जैसी ही खीमे में गए जहाँ आज मस्जिद अरीश बनी है उसको अरीश कहा जाता है हज़ूर के ख़ीमे को हुजूर सजदे में गिर गए सजदे में गिरने के बाद नबी पाक सल्ला इतना क्रिया वजारी कर रहे थे इतना रो रहे थे सजदे में हज़ू पाक अलैहि वसलम और जो सहाबी उनकी खिदमत में खड़े थे वो कहते हैं नबी पाक सल्ला तसल्म के अल्फाज में सुन रहा था इब्ताल को अर्ज़ यूँ कर रहे थे एल्ला एक छोटी सी फ़ौज एक छोटी सी जमत तेरे दीन की नुसरत के लिए मैदान में उतरी है अल्लाह अगर इस जमात की तू कल मदद ना करेगा तो कयामत तक तो इस रूए जमीन पर कोई सजदा करने वाला नहीं आएगा कयामत तक कोई तेरी इबादत नहीं कर सकेगा यह महबूबाना अंदाज है मेरे आका का यह कोई धमकी नहीं अल्लाह को रब तला की बारगाह में गिड़गिड़ाना कि मौला अगर इनकी मदद नहीं करेगा तो फिर कौन तेरी इबादत करेगा और उसके बाद अचानक हजूर सल्ला वसल्लम उठे सजदे से पेशानी चमक रही थी और हजूर मुस्कुरा रहे थे दो सहाबा खड़े थे कहा यार रसूल अल्लाह सल्हस आप इतनी गिरिया वजारी करते करते भी मुस्कुराने लगे कहा मेरे रब ने मेरी ढारस बंधा दी मुबारक हो बशारत हो मैंने अभी अभी ज़िब्रैल को जंगी लिबास पहनकर उतरते देखा है अमीन आ गए हैं वो सहाबा दौड़े दौड़े गए हैं बाहर जाकर कहे मुबारक हो अल्लाह के नबी को मदद आ गई है अभी रात का हिस्सा गुजरा नहीं था कि बारिश बरसने लग गई मेरे आका ने फरमाया मेरे साहबा अल्लाह की दूसरी मदद आ गई साहबा ने पूछा ये कैसे कहा जाओ मैदान में देखो रेत की ज़मीन पर बारिश हुई थी तो रेत पूरी जमा हो गई मजबूत हो गई और काफिरों की ज़मीन पर बारिश बरसी तो कीचड़ हो गया उनके पैर फिसलने लग गए उनके घोड़े भिधकने लग गए और साहबा के पैर रेत में बिल्कुल मजबूत जम कर रह गए हुजूर ने फरमाया बारिश भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए नाजिल फरमाए सुबह उठते हैं सुबह होती है। हुजूर अकरम नहीं रात के वक्त ही अभी रात का वक्त है सहाबा के दिल की तसल्ली के लिए मेरे आका अपने हाथ में एक छड़ी लेकर जाते हैं मैदान में सहाबा पीछे पीछे हैं लकीर खींचा हुजूर ने फरमाया कल यहाँ अबू जहल गिर के मरेगा दूसरी लकीर खींचा और कहा यहाँ उतवा मरेगा तीसरी लकीर कहा मरेगा बड़े-बड़े ना बड़े पहलवानों ते के नाम ना ना रहे रहे थे साहब दिल में खुश हो कितने विकेट गिरने वाले हैं कितने पहलवान जमी बोस होने वाले हैं कितने मौत की घाट पहुंचने वाले हैं साहा को ये मालूम हो गया था और दिल चौड़े थे सीने कुशादा थे सुबह होती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपने ख़ीमे में थे आरिश में मैदान मैदान बदर के ख़ीमे में थे एक सहाबी दौड़ते हुए आते हैं आकर के बारगाह मुस्तफा में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम हमारी तादाद बढ़ गई हमारी तादाद बढ़ गई हुजूर पाक वसल्लम से वो कह रहे हैं पहले काफिरों की तादाद इतनी ज़्यादा थी हज़ार की तादा साहबा देखते घबरा जाते और उस पर वो कमीने क्या कर रहे थे रात भर नाच रहे थे गाने गा रहे थे कबाब भून रहे थे और नारे लगा रहे थे जीत हमारी जीत हमारी जीत हमारी जीत हमारी उनके अल्फाज थे अशार गुनगुना रहे थे और रात भर खाना पीना रक्स शुरू ढोल बाजे सब चलता रहा और इधर साहबा इबादत में मसरूफ़ हैं अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं और सुबह जब हुई तो एक साहबी दौड़ते हुए आए कहा मेरे आका हमारी तादाद बढ़ गई है 313 निकले थे लेकिन मैदान में बहुत ज्यादा हो गए हैं हम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चहेते जाओ। हमारी तादाद नहीं, अल्लाह के आ अब ये सत्रह मुबारक जुम्मन का दिन था योमान जिसको कहते हैं मेरे अजीज इस्लाम की अजीम तारीख पिना है इसमें अजीम तारीख पिना है� नबी पाक अलैहि तल्म की तरफ से मैदान बद्र में सबसे पहले उतरने वाले कौन लोग थे कौन लोग थे सबसे पहले नबी पाक अलैहि तसम की तरफ से हज़रत अमीर हमज़ा रजी अल्लाह दूसरे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह तीसरे हैदर करार शेर खुदा अली मरतदा रजी अल्लाह तु ये तीनों हजरात उतरे और इनके मुकाबल में जो कुफ़ार आए थे वह अपने अपने वक्त के बड़े बड़े पहलवान थे बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने उतारा था मैदान बद्र में और जब मुकाबला हुआ तो सबसे पहला वार हजरत अमीर हमजा का सामने वाले पर पड़ा वो गाजर की तरह कटकर गिर गया एक ही वार में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जख्मी हुए सामने वाले से थोड़े ज़ख्मी हुए फिर हजरत हमजा ने वो भी महा संभाला और उनके मुकाबल को भी मार कर गिराया इधर हजरत अली करम्ल्लाजुल करीम की उम्र कम थी उस वक्त उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी तेईस साल की उम्र या पच्चीस साल के उस वक्त की उम्र थी हजरत अली करमल्ला वजहल करीम की उस वक्त हजरत अली जब आए बिल्कुल जवानी यानी 20 22 साल की उम्र मौला अली करमल्लाहु वजहोल करीम ने उससे जब मुकाबला किया तो ذلفی हैदरी ने ऐसा सर्ब लगाया कि उसकी लोहे की टोपी काटते वाँ वाँ हुए दो टुकड़े हो गए पहली मर्तबा बद्र के मैदान में आवाज आई थी सारे सहाबा की अल्लाह अकबर ये नारे तकबीर था जो सबसे पहले बुलंद हुआ फरमाते हैं इस आवाज की हैबत ऐसी थी कि कुफार के खيمه हिल गए और उनकी सफों में हलचल मच गई दहशत तारी हो गई साहबा के इसी नारे को देखकर अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था ये निकले थे मुड़ी हुई तलवारें लेकर कटी हुई और जंग आलू तलवारे लेकर जिनसे सब्जी नहीं कटती थी लेकिन जब नारा लगाए थे अल्लाह की मदद ऐसी आई थी कि ये सब जमी बॉस हो गए दुश्मन इकबाल ने कहा था कुफर दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ कुफर दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ कर तुम निकला जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ ये उन्हीं सहावा का नारा था जब उन्होंने पहली मर्तबा बुलंद किया ये लड़ाई चलती रही शाम तक शाम होने ना पाई दोपहर तक इस लड़ाई को पहले एक के बाद दिगरे उसके बाद फिर घमासान की लड़ाई हुई लेकिन कुफार मक्का में से कुछ लोग कहते हैं हम तो बड़े हौसलों से आए थे लड़ने के लिए बड़े हौसलों से आए थे जिनको ये मदीने में मक्का में पकड़ के मारते थे वो आज इनके मुकाबले में थे कोई किसी का ग़ुलाम था कोई किसी का रिश्तेदार भी था लेकिन मुकाबले में जब आए वो कुफ़ार मक्का कहते हैं हम तो बड़े हिम्मत के साथ लड़ने के लिए आए थे लेकिन जब हम लड़ने जा रहे थे तो हमारे मुकाबले में अजनबी अजनबी लोग आ रहे थे अजनबी अजनबी लोग आ रहे थे और उनकी हैबत ऐसी तारी होती कि हमने उनको ना मक्के में कभी देखा था ना मदीने में कभी देखा था ये वो बदरी मलाइका थे जो जबरइली अमीन की सिपैसालारी में आए थे अब यहाँ एक बात मैं बताना चाहता हूं एक फरिश्ता एक फरिश्ता उतर जाए काफी है आपको बताए कौम शुआब जब नाफरमानी कर रही थी तो अल्लाह ताला ने अजाब क्या भेजा था जबराइल अमीन सलाम को उतारा था उन्होंने एक चीख मारी थी चिंगाड़ और उनकी आवाज की हैबत से जितने पहाड़ों में चाहिए कौम शुआब सबके भेजे कानों से निकल आए थे और जमीन पर गिर कर मर गए थे तो यहां जब्राईल अमीन अकेले आ जाते सिर्फ आवाज लगाते किसी को तलवार उठाने की भी जरूरत नहीं ये हजार पूरे कीड़े मर जाते लेकिन ये वजह क्या है मुफसरीन ने फरमाया यकीनन एक फरिश्ता भी मदद के लिए काफी होता लेकिन अल्लाह ने बद्र के मैदान में पांच हजार फरिश्ते उतारे या अजमत मुस्तफ़ा के लिए ये रसूलुल्लाह की अजमत के लिए कभी कभार तादाद जो है वो शान बताने के लिए होती है अजमत बताने के लिए होती है हाँ एक झंडा काफ़ी होता है लेकिन कभी दस झंडे लगाओ तो उसकी अज़मत बढ़ जाती है हाँ दो बॉडी काफ़ी होते हैं लेकिन दस खड़े हो जाए तो उसकी हैबत और तारी होती है ये एक इंसानी जहन बना हुआ है अल्लाह तबारक तला ने अपने महबूब की अज़मत शाम की वजह से पाँच हज़ार मलाइका को उतारा अब ये जंग होती रही इसमें सहाबा तो लकड़ियों से जंग करते रहे सब तलवारों से नहीं कुछ सहाबा तो लकड़ियों से जंग लड़ते रहे और लकड़ियों से ही कई को मार के गिराया और सत्तर जो है मौत के घाट उतर गए और उसमें मामूली सत्तर नहीं थे बड़े बड़े गुरु घंटाल थे जितने भोंकते थे मक्का में बैठ कर अबू जहल मर गया हजरत बिलाल हबशी का आका उमैया हर वो मर गया और कई ऐसे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े उतबा शहबा जैसे बड़े बड़े काफिर ये सब के सब मौत के घाट उतर गए बज्र की एक लड़ाई ऐसी कि अच्छे अच्छों की जड़ काट कर रख दिया अब यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रहम भी देखें हुजूर मुलाहिजा फरमा रहे थे जब उमैया गिर कर ज़ख्मी हुआ था हुजूर ने जो सहाबी लड़ रहे थे कहा कि रोक दो उसको हमिया जो लड़ रहा था वो बड़ा हट्टा कट्टा पैसा वाला मक्का का बड़ा आदमी था तो जो सहाबी लड़ रहे थे उन्होंने गिरा दिया वो ज़ख्मी होकर गिरा हुजूर ने फरमाया छोड़ दो उसको वो सहाबी हट गए हुजूर ने फ़रमाया बिलाल हबशी को बुलाओ बिलाल कहाँ है बिलाल आए कहा अ बिलाल आओ जितना इसने तड़पाया था खूब आज तुम बदला लो इसके साथ क्योंकि यही वो था जो हजरत बिलाल को एक ड्रम में डालकर दिन भर रखता था लोहे की एक टाकी बनाकर उसमें डालकर ऊपर से ढक्कन डालकर गर्म धूप में उनको ऐसी रख देता था बगैर खाना पानी दिए शाम तक उनको खोला जाता तो उनका जिसम पूरा अजमरा हो जाता था उनकी पीठ ऐसी गल गई थी अंगारों में सुलाने की वजह से कि रीढ़ की, की हड्डी दिखती थी हजरत बिलाल के साथ किया था हजरत बिलाल हफी ने मार कर उसको खत्म किया और औरत बिलाल मारते वक्त क्या कह रहे थे ये भी सुनिए ये सहाबा का जज्बा है कहते हैं उसको कत्ल किया और यूं कहा अंत अदूल अदू रसूलना मैंने तुझे मार दिया है इसलिए कि तू अल्लाह का और मेरे हबीब का दुश्मन था यह नहीं कि मुझे तड़पाता था ये नहीं कि तू मुझे बहुत मारा अब चकले मजा हज़रत बिल ये कहते हैं तू अल्लाह का दुश्मन था और मेरे मुस्तफा का दुश्मन था मैंने तुझे ख़त्म किया ये बद्र की वादी में हजरत मुआ और मुआवज़ बिन अफ़रा रद्लामां दो छोटे बच्चे बच्चों पर जिहाद तो है नहीं लेकिन ये ज़िद करके इसरार करके हुजूर के पास आए थे कहाँ मैं इजाज़त दे थे मेरे आका ने इनको इजाज़त दी तो ये जंग में शरीक हुए हजरत अब्दरहन बिन औफ कहते हैं सब बड़े बड़े सहाबा जंग के मैदान में नफसा नफसी का आलम होता है अपना डिफेंस करना ज़रूरी होता है कहाँ से तीर आए कहाँ से तलवार आए लेकिन ये दो बच्चे इस तरह से मैदान में हैं कि हजरत अब्दुलरहमान बिन ऑफ से कहते हैं चाचा हमें एक बात बताइए अबू जहल किसका नाम है हजरत अब्दुलरहमान बिन ऑफ कहते हैं मैं हंस पड़ा इनकी उम्र तेरह साल के आसपास की थी कहते हैं ये क्या करोगे तुम वो सरदार कुरैश है पहलवान है मक्का का उन बच्चों ने कहा हमने देखा तो नहीं मगर सुना है उस खबीस के बारे में कि हमारे आका को गालियाँ देता है वो हमारे नबी को गालियाँ देता है ये असल महाफिजी मुस्तफ़ा थे ने नामों से रसालत थे नबी पाक वसल्लम की इज़्ज़त के लिए मेरे अजीजों ये बच्चे खेलने के लिए ज़िद्द नहीं कर रहे थे जान हथेली पर लाने के लिए ज़िद्द कर रहे हैं हजूर पाक सल्लि वसलम की बारगाह में आए और उसके बाद हज़रत अब्दरहन बिन आओफ कहते हैं मैं अभी बातचीत कर ही रहा था कि अबू जहल सामने घोड़े पर बैठा जा रहा था मैंने इशारे से बताया वो देखो वही मरदूद है जो घोड़े पर जा रहा है ये दोनों बच्चे चील की तरह झपट गए उसकी तरफ और भागते हुए उसकी तरफ गए अबू जहल को ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं था ये उम्मीद ही नहीं थी कि उसके मुकाबले में कभी कोई बच्चा आ सकता है गुरूर और तकबर में हमेशा वो सोचता था बड़े बड़ों से ही लड़ना है हमको और देखा तो छोटे बच्चे आए एक बच्चे ने घोड़े की टांग पर तलवार मारी अबू जहल नीचे गिर गया घोड़ा भी गिरा वो भी गिरा और जैसे ही गिरा दोनों उसके सीने पर चढ़कर बैठ गए सीने पर चढ़कर बैठ गए और गर्दन पर तलवार रखी तो जानते हैं जालिम ये ज़माने भर का बड़ा गुस्ताख और गुस्ताखों का बाप क्या कहता था अरबी में शेर कह रहा है उस वक्त कहता है मैं अरब हूँ मौत से डरता नहीं मैं अरब हूँ मौत से डरता नहीं लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरे मुकाबल का आया नहीं उसको अफसोस ये है कि मुझे कोई पहलवान ने मारा नहीं मेरे मुझे छोटे बच्चे मार रहे हैं और बाद लोगों ने कहा है कि उसकी ये ख्वाहिश थी का काटना है तो गर्दन थोड़ा नीचे से काटो क्योंकि सब कटे हुए गर्दने रखी जाएं तो मेरी गर्दन थोड़ी ऊंची दिखे गुरूर और नखोत कभी नहीं जाता घमंड और तकबर कभी नहीं जाता इन बच्चों ने ख़त्म तो कर दिया उजहल को और मशहूर है क्या ही बेहतरीन कहा हम जैसे लाखों करोड़ों की जवानियाँ उन बच्चों के कदमों पर कुर्बान हम उनके नाखुनों तक भी नहीं पहुंच सकते जिन्होंने दिफा किया है डिफेंस किया है मेरे मुस्तफ़ा की इज़्ज़त का औरों ने काफिरों को मारा होगा इन बच्चों ने तो पूरे कुफ्र को मारा है औरों ने जाहिलों को मारा तो इन्होंने अबू जहल को मारा है जहालत के बाप को मारा है उसी जंग में शहजाद हज़रत मुआज का मोंढ़ा किसी काफिर ने मार करके ख़त्म कर दिया तलवार से कंधे को मार दिया लेकिन जज्बा ख़त्म नहीं हुआ उस बच्चे ने दूसरे हाथ में तलवार ली और लड़ना शुरू किया और अपने हाथ को पैर में दबा कर खींच के निकाल दिया ये ज़्यादा देर तक नहीं ये दोनों शहजादे लड़ते रहे मैदान बद्र में शाम से पहले पहले दोनों बच्चे भी शहीद हुए हजरत मुआज़ भी शहीदों में हैं हजरत मुआवज़ भी शहीदों में हैं किस बाप के ये बेटे थे किस घर में आँखें खोली थी इन्होंने जहाँ माँ को कुरान की तिलावत करते सुना बाप को महराब इबादत में देखा और गुट्ठी में इनके पिलाया हुआ था अजमत मुस्तफ़ा सबसे पहली चीज़ है मेरे अजीज़ों ये जान दे चुके मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के वक्त जंग का पासा कैसे पलटा ये सहाबा ऐसे घुसते चले गए उनके सफ़ों में कि वो हैबत से भागने पर मजबूर हो गए मक्का के कुफार जितने भी थे सब के सब अपना साजो सामान छोड़कर मैदान से भागने लग गए वहाँ पर अपने मवेशी छोड़ा अपने बहुत सारे छोड़ा यहाँ तक कि सत्तर क़ैदी पकड़ में आए और सत्तर मारे जा चुके थे एक सौ चालीस और सहाबा में तेरह शहीद थे एक जख्मी थे तेरह शहीद हुए एक ज़ख्मी थे हजरत उबैदा बिन हारिस वो भी रास्ते में जाकर शहीद हुए तो जंग बद्र के टोटल शहीद चौदह हैं बाकी वो सत्तर और एक सौ चालीस पूरे टोटल यानी कैदी मिलाकर शाम के वक्त अब सुनो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजा साहबा कहते हैं हुजूर निकले मैदान में आए सब काफिरों की लाशें एक जगह खींच कर लाकर कर गढ़े में डाल दी गई लेकिन लाशें देखने के लिए हुजूर मैदान में जा रहे थे साहबा कहते हैं कसम खुदा की हमने देखा हुजूर ने जिसके लिए जो दायरा खींचा था वो काफिर वहीं गिर के मरा था एक बाल भी बाहर बाहर नहीं था हजूर ने जिसके लिए लकीर खींचा था वो काफिर उसी में गिर कर मरा हुआ था हजूर ने जो निशान बनाया था अबू जहल वहीं मरा हुआ था उतबा वही मरा हुआ था शैबा वही मरा हुआ था आज के मुनाफिकीन के लिए भी ये दर्स है ये देखें जंग बद्र की तारीख को नबी पाक अलैहि वसल्लम एक दिन पहले ये बता रहे हैं कि कौन कहाँ मरेगा और यह अभी तक इस बहस में है कि पीठ पीछे का इलम नहीं दीवार पीछे का इलम नहीं यह अपने जैसा नबी को भी खयास करते हैं अल्लाह हिदायत अता फरमाए अब शाम के वक्त सारे गढ़ लाशों को ला एक गढ़े में जमा कर दिया और जो मुसलमान साहबा थे उनकी लाशें जमा की गईं और उनको इज़्ज़त के साथ एहतराम के साथ उसी बद्र के मैदान के करीब दफन कर दिया गया और काफिरों की लाशों के पास खड़े होकर हुजूर ने फिर एक खुतबा दिया खुतबा दे रहे थे और उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे ऐ लोगो हमारे रब ने जो हमसे वादा किया था वो पूरा कर दिखाया अल्लाह ने बताओ तुम्हारा खुदा जो तुमसे कोई वादा किया था क्या तुमको भी पूरा कर दिया क्या तुमने मौत के बाद वो चीज़ पा ली जिसके लिए तुम लड़ते थे साहबा पूछने लगे यार रसूल अल्लाह सल्हल्म आप ही किस को सुना रहे हैं ये मरे हुए कुफार को हुजूर ने फरमाया ये तुम से भी ज़्यादा सुनते हैं मरने के बाद वो तुमसे भी ज़्यादा सुनते हैं इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा लोगों की बातें तो स छोड़ें चलने वालों के पैर के चप्पल के नीचे जो आवाज़ आती है वो भी मुर्दा सुनता है उसके कान बढ़ जाते हैं अब मुझे बताओ मेरे अजीज हो बद्र में मारे गए हुए गलीस किस्म के काफिर जब बातें सुन सकते हैं तो अल्लाह के अलिया अपनी क़बरों में क्यों नहीं सुनते अम्बिया कराम और अलिया कराम अपनी कबरों में नहीं सुनते हम जाते हैं और इसी यकीन के साथ जाते हैं कि वो कबरों में हमारी बातों को सुनते भी हैं और अल्लाह ने उनको तसरफ और इख्तियार दिया हो तो हमारे हक में अल्लाह की बारगाह में सिफारिश भी करते हैं ये है जंग बद्र इसका खुलासा यही है कि वो अगरचे तीन सौ तेरह नेहते थे लेकिन यकीन कामिल था इसी को इकबाल ने कहा है यकीन महकम अमल पे हम जहादे मोहब्बत फात है आलम जहाद जिंदगानी में हैं यह मर्दों की शमशीरें कि ये वो सहाबा थे इनके बारे में कहते हैं अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई ये लोमड़ी की तरह नहीं रहते बल्कि इनका अजम हौसला बड़ा जवान था और मैदान में उतरे थे तो ना ये तलवारों के भरोसे आए थे ना हाथी घोड़ों के भरोसे आए थे बल्कि इन सहाबा का सिर्फ यकीन ये था अल्लाह हमारे साथ है रसूल हमारे साथ है ए मोमिनो आज इस बद्र की तारीख के बाद मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा आज जितने भी अबू जहल नाच रहे हों इनको नाचने दो और पुकार कर कहो इन माना बेशक अल्लाह हमारे साथ है बेशक अल्लाह हमारे साथ है आजमाइश होगी इम्तिहान होगा कुछ तो मरेंगे कुछ तो कटेंगे लेकिन गलबा हक का ही होगा हल अल हक यालू वाला फरमाया गया हक हमेशा बुलंद होकर रहेगा उसके ऊपर कोई गालिब नहीं आएगा हो सकता है सदियों तक उसको कोई पकड़ करके रखे हक को गिरफ्तार करके रखे लेकिन कभी भी वो इस तरह नीस तो नाबूद नहीं किया जाएगा कयामत तक हक को बुलंद होना है अल्लाह करीम हम सब को हक जमात के साथ जिंदा रखे और हमें गलब इस्लाम का वो सुनहरा दौर अता फ़रमाए जब हम देखें हमारे हर घर से आवाज़ आए लबया लबा कया लब्याया मैं कहती हूँ जबरदस्त वाक्य ऐसा था कि बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था कि भाई बंद करें या कुछ ऐसा हो कि भाई स्टॉप हो देखिए मैं आपको बताऊं जंग बदर सत्रह रमज़ान को ही थी और आज और आज सत्रह रोज़ा ही है ठीक है और देखा जाए तो भाई जंग बदर एक पहली जंग थी मैं वही कहती हूँ ना जो लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम्स को ख़त्म कर देंगे मुस्लिम्स को हटा देंगे तबाह कर देंगे दुनिया से मुसलमानों का नाम ख़त्म कर देंगे तो भाई आपके बड़े भी आए थे ठीक है बड़ा ये बयान शायद आप सबके लिए है जो मतलब मुसलमान को ख़त्म करना चाहते हैं उनके लिए ठीक है तो वो भी ऐसा तो थे उन्होंने कहा यार तीन सौ तेरह है मिटा दो उनको ख़त्म कर दो अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा आज कुल इस्लाम कुल काफिर का मुकाबला है ठीक है तो बड़ी खुशी से डोल डमा बजाते हुए आए थे अबू जहल आया था अबू लैब आया था तो क्या हुआ सुरफाल में अल्लाह ताला फरमाता है कि अब मैंने जबराइल को भेजा मिकाइल को भेजा इसराइल इसराफ़ील राफी इस्लाम को भेजा और उनको देखते हैं लश्कर फरिश्तों का लश्कर आया जिन्होंने पूरा जो थे ना लोग इनके कुफ़ार थे उनको तहस नहस करके रख दिया फिर नबी सलाम के हाथ में ना कंकर उठाए और कंकर उठा के आपने जब ऐसे काफ़रों की तरफ़ फेंकी ना तो वह सब के सब अंधे हो गए थे और अल्लाह ताला ने यह एक ज़िंदा मौज़ा था कि आपने ऐसे कंकर उठाकर उन काफ़रों पर फेंके और वह सब के सब बंधे हो गए थे हो ये एक मौजा था जिंदा कि जब साहबी कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा कि रसोल्ला ने कंकर उठाए और ऐसे काफ़रों के ऊपर फेंके तो जितने भी कफार थे वो सबके साथ सब बंधे हो गए थे और माशाल्लाह फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा शोर मचा कि थोड़ी देर बाद काफिर भागना शुरू हो गए दुबा के भागना शुरू हो गए और जब देखा गया तो उनको पकड़ा और पकड़ कर फिर नबी सलाम ने देखा कि इनके हाथ बंधे हुए तो उन्होंने कहा कि इन सबके हाथ खोलो इनको पानी पिलाओ उनको खाना खिलाओ और जो पढ़ने 开。 उसको कहो कि दस लोगों को पढ़ाए तो वो आजाद है तो ये दीन इस्लाम था इस तरह दीन इस्लाम फैला फैलाए अब लोग क्या बात करते कि मुसलमान जो है वो जंग भाई जंग नहीं स्टार्ट हुई थी जंग उन्होंने स्टार्ट की थी वो वो मारने आ रहे थे आप अगर बयान सुने तो मदीना में औरतों की इज्जतें लूटना औरतों के माल लूटना बच्चों को जिबा करना मर्दों को जिबा करने के लिए आ रहे थे मक्का में तो ऑलरेडी उन लोगों ने एक तबाहिया मचा के रख दी थी जगह जगह बुत उन्होंने खड़े कर दी थी मक्का के अंदर वो जो खाना काबा है उसके अंदर बुत रखना शुरू कर दिया था दिल नहीं भरा इससे भी दिल नहीं भरा था तो मदीना में कह रहे थे ये जो अंसारी इनको ख़त्म करने आ रहे थे लेकिन अल्लाह ताला की मदद आई फाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं और फिर हमने जो फरिश्तों की मदद भेजी है और उसके बाद अल्लाह की मदद आ गई और सब के सब तहस नहस हो गए तो जंग बदर के आज भी लोग कहते हैं कि भाई जो जंग बदर की बात करता है ना कि ये मुस्लिम को ख़त्म कर दो मुसलमान तो भाई नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारी इस तरह की जो हिस्ट्री है ना वो भरी पड़ी है सो व्यूअर्स इसके बारे में मैं कहता हूँ तो जितनी भी बातें करेंगे ना तो शायद वो कम होगी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत ख्याल रखेगा और यार बहुत मज़े के बयान थे मुफ्ती सलमान आजारी साहब का तो मैं बहुत सारे रिएक्ट लेने वाला हूँ ठीक है ना तो इस तरह की टेंशन नहीं लीजिएगा कि मैं इनके ऊपर रिएक्ट नहीं करूँगा मैं बहुत सारे रिएक्शन लेकर आऊँगा और मिलेंगे चल नेक्स्ट वीडियो में बहुत ख्याल रखेगा हम दोनों को दीजिए जस्ट स्टे विद अल्लाज